तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एसके में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत बधाई हमारे 71वें गणतंत्र दिवस की। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ जिसमें कि कुछ स्पेशल फैक्ट्स हमारे रिपब्लिक डे के बारे में मैंने मेंशन किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या वो स्पेशल फैक्ट्स हैं। आइए नज़र डालते हैं वीडियो पर। सम स्पेशल फैक्ट्स अबाउट आवर रिपब्लिक डे। पहला है इसमें फ्रेंड्स, द डेट 26th वाज सेलेक्टेड। क्यों ये 26 जनवरी ही तारीख सेलेक्ट की गई? ये तो सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। बट फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 26 जनवरी 1929 में पूर्ण स्वराज प्रोक्लेम किया गया था इंटरनेशनल कांग्रेस द्वारा। इस वजह से 26 जनवरी जो डेट थी ये सेलेक्ट की गई थी। दूसरा है इसमें टाइम इन ड्राफ्टिंग और कॉन्स्टिट्यूशन। कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में? जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स ड्राफ्ट हुआ उसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, उसने ड्राफ्ट किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। जब ये कमेंसमेंट हुआ था, इसका जब ये लागू हुआ था, क्योंकि इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, इसमें 8 शेड्यूल्स में बटा हुआ है और 80,000 वर्ड्स इसमें इंक्लूड हैं। फर्स्ट परेड ऑन राजपथ। जो राजपथ पे परेड होती है हमारी 26 जनवरी के दिन, वो कब हुई थी पहली परेड? जो फर्स्ट परेड जो हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी दिल्ली में 1950 में, जब राजेंद्र प्रसाद जी जो थे प्रेसिडेंट थे, और जो हमारे चीफ गेस्ट थे उस परेड में, इंडोनेशिया के सुकार्नो, प्रेसिडेंट जो है इंडोनेशिया के, वो हमारे चीफ गेस्ट थे इसमें। सीक्रेट बिहाइंड 21 गन सैल्यूट। 21 गन सैल्यूट क्यों दिया जाता है? 21 गन सैल्यूट जो है, जब झंडा फहराया जाता है तब ये दिया जाता है नवल अर्न मिलिट्री के ऑनर में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ फैक्ट्स, जो स्पेशल तो हैं ही हैं लेकिन हम सब भारतीयों को पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।